हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़ टुडे। आज की वीडियो में बिटसेट 2020 एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स देंगे। ये एग्ज़ाम एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि बिट्स पिलानी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। बिट्स कैंपस जो कि पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई में है, उनमें बहुत से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं और बिटसेट एग्ज़ाम से आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन टिप्स स्टार्ट करने से पहले आपको बिटसेट 2020 एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देते हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपको प्रिपरेशन करने के लिए कुछ बुक्स रेफ़र करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, बिटसेट एप्लीकेशन फॉर्म 2020 की डेट हैं 11 जनवरी से 31 मार्च तक, और बिटसेट 2020 एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन करने की डेट्स हैं आपके पास 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। बिटसेट 2020 के स्लॉट बुकिंग और टेस्ट डेट को रिजर्व करने की डेट्स हैं 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। बिटसेट 2020 के एडमिट कार्ड्स के और हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की लास्ट डेट्स हैं 20 अप्रैल से 12 मई तक। बिटसेट एग्ज़ाम की डेट होगी 16 मई से 25 मई के बीच में। एंड बिटसेट 2020 एग्ज़ाम की लिस्ट प्लस वेटिंग लिस्ट का अनाउंसमेंट 20 जून तक हो जाएगा। तो चलिए अब बिटसेट 2020 की प्रिपरेशन टिप्स को देख लेते हैं। नंबर 1, मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। बिटसेट 2020 को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएं, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लें और फिर एक डिटेल्ड शेड्यूल प्लान बनाएं। बिटसेट 2020 का पूरा सिलेबस जब आपके पास होगा तब आप उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लें। ऐसा करने से आप पूरे सिलेबस को सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे और मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, मैनेज योर टाइम। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं यूज़ करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि कैसे आपने अपने डेली रूटीन को मैनेज करते हुए इसका यूज़ किया है। खैर, बात करते हैं कैसे आपको बिटसेट 2020 की तैयारी करनी है, वो भी कम समय में। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना लेने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। हमारा सजेशन ये होगा कि ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें और उसको पहले ही कंप्लीट कर लें। नंबर 3, मेक शॉर्ट नोट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटसेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो एंड में टाइम में पूरा रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। अच्छा ये होगा कि आप हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लें और जब आप रिवाइज करें तो इन नोट्स को पढ़ लें। नंबर 4, सॉल्व मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तब तक पूरी नहीं होती जब तक एक दो सैम्पल पेपर्स या मॉक टेस्ट ना दे दें। आपको पूरा एग्ज़ाम वाला फील आता है मॉक टेस्ट देने से, बट अक्सर आपको कुछ मोटी फीस देनी पड़ती है कंपनीज़ को उन मॉक टेस्ट को देने के लिए। पर आप फिक्र ना करें, स्टडीज़ टुडे ने आपके लिए बिटसेट मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज़ वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी है, वो भी फ्री में, ताकि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी जाएं नीचे दिए गए URL पे और फ्री में मॉक टेस्ट दें और अपने स्कोर को बढ़ाएं। नंबर 5, रिवाइज योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस। ओके दोस्तों, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवाइज किए आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप भूल जाएं। इसलिए अच्छा होगा कि आप हर टॉपिक के बाद अपना रिवीजन करते जाएं और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पूरा रिवीजन शुरू कर दें, वो भी अपने बनाए गए शॉर्ट नोट्स के साथ। तो ये थे 5 प्रिपरेशन टिप्स बिटसेट के लिए। तो चलिए, जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बुक्स के बारे में बताएंगे। मैथमेटिक्स की ये बुक्स आपको अच्छी नॉलेज देंगी, न्यू पैटर्न मैथमेटिक्स बाय अरिहंत, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय RD शर्मा और 10 मॉक टेस्ट एंड सॉल्व पेपर्स बाय VIT इंजीनियरिंग। केमिस्ट्री की ये बुक्स हैं, इसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अरिहंत, अ टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय OP टंडन। फिजिक्स के लिए फिजिक्स MCQ बाय डॉक्टर मुखर्जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स Part 1 बाय HC वर्मा एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स Part 2 बाय HG वर्मा। फॉर बायोलॉजी, बॉटनी बाय AC दत्ता, अ टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी बाय PC धामी। इंग्लिश और लोकल रीजनिंग के लिए आप इन बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, हाई इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय वेरेन एंड मार्टिन। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस आपको अगर फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.studiestoday.com को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।